कर्णसेना के सुप्रीमो का फूल मालाओं से किया स्वागत। जनपद कन्नौज के शौरिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कट पर लखनऊ से जलेसर जाते हुए शौरिक कट पर कर्णसेना के सुप्रीमो का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कन्नौज जनपद आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कर्णसेना सुप्रीमो वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया एटा जलेसर जा रहे थे। वहीं कर्णसेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर हिमांशु प्रताप सिंह ने कर्णसेना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। आज अपने कन्नौज में कर्णसेना के सुप्रीमो का आगमन हो रहा है। कर्णसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर शौर्य कट पर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि एटा स्थित जलेसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित की गई और आग बबूला होकर कहा कि वह क्षत्रिय समाज के महान राजा महाराणा का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए एटा प्रशासन की लापरवाही बताते हुए आज एटा जलेसर के लिए रवाना हुए। वहां पर जिस किसी समाज के द्वारा प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया गया, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही वह जलेसर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर कन्नौज के पदाधिकारी ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया तथा इस मौके पर जिलाध्यक्ष हिमांशु प्रताप सिंह, अभिषेक तोमर, सचिन राजावत, विपिन तोमर, अभिषेक ठाकुर, शैलू आदि कर्णी सेना भारत कन्नौज टीम के पदाधिकारी मौजूद रहे। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर।